नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। अगर आपका बैंक में कोई काम पेंडिंग पड़ा है तो हो सकता है आपके शहर में बैंक आपको बंद मिले, इसलिए अगर आपको भी बैंक से जुड़ा कोई भी ज़रूरी काम है तो उसे इस टाइम टेबल के हिसाब से मैनेज कर लें, क्योंकि सितंबर में कई शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं। जी हाँ, सितंबर में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। वैसे देखा जाए तो सितंबर में बेहद कम दिन बैंक बंद रहेंगे और आपको बैंक के अपने कामों को निपटाने के लिए काफ़ी समय मिलेगा। फिर भी कुछ ज़रूरी कामकाज के लिए अपनी बैंक की नज़दीकी शाखा जाने से पहले सितंबर 2021 में बैंकों की छुट्टियों की जानकारी आपको होनी ज़रूरी है, वरना आपको बैंक जाकर वापस भी लौटना पड़ सकता है। बैंकों की ये छुट्टियां एक ही समय में सभी राज्यों के लिए लागू नहीं हैं। हर राज्य में स्थानीय जरूरत के मुताबिक छुट्टियां घोषित की गई हैं। आइए आपको बताते हैं कि कब कब बैंक बंद रहेंगे। 5 सितंबर 2021 को रविवार की छुट्टी के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे। 8 सितंबर को श्रीमंत शंकर देवा तिथि के कारण गुवाहाटी के बैंकों की छुट्टियां हैं। 9 सितंबर 2021 को हरतालिका तीज के कारण गंगटोक के बैंक बंद हैं। 10 सितंबर 2021 को गणेश चतुर्थी और संवत्सरी के कारण अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पणजी के बैंक बंद रहेंगे। 11 सितंबर को महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण देश भर के बैंकों की छुट्टी है। 12 सितंबर को रविवार के कारण देश भर में बैंकों की साप्ताहिक छुट्टी है। 17 सितंबर को कर्मा पूजा के कारण रांची के बैंक बंद रहेंगे। 19 सितंबर को रविवार के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे। 20 सितंबर को गंगटोक के बैंकों में इंद्र यात्रा की छुट्टी रहेगी। 21 सितंबर को कोची और तिरुवनंतपुरम के बैंकों में श्री नारायण गुरु समाधि दिवस की छुट्टी होगी। 25 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार है, जिनके कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे, जबकि 26 सितंबर को रविवार की छुट्टी के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि हर महीने बैंकों की छुट्टियों की पूरी लिस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करता है। आप पूरे साल बैंक की छुट्टियों की पूरी डिटेल वहां भी देख सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।